Please subscribe and press the bell icon to never miss an update from Vid4You. दोस्तों कलर्स चैनल के अपकमिंग शो शहनाज गिल की शादी में हुई सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री। जी हाँ, टीवी के गलियारों से बीते दिनों ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि बिग बॉस 13 की सबसे क्यूट प्रतियोगी शहनाज गिल राखी सावंत की तरह टीवी पर ही शादी रचाएंगी। सूत्रों ने जानकारी दी थी कि कलर्स चैनल शहनाज गिल के साथ एक खास शो प्लान कर रहा है जिसमें वो अपना दूल्हा चुनते हुए नजर आएंगी। कुछ समय एक ऐसा ही शो राखी सावंत ने किया था जो NDTV इमेजिन पर आया था। अगर शो से सामने आ रही ताजा जानकारी की माने तो शो के मेकर्स दर्शकों को उत्साहित करने के लिए इसमें एक और बिग बॉस 13 के प्रतियोगी की एंट्री कराने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि कलर्स चैनल शहनाज की शादी शो के लिए सिद्धार्थ शुक्ला को होस्ट के तौर पर साइन करने की सोच रहे हैं। सूत्र के अनुसार ऐसा संभव हो सकता है कि दर्शकों को शहनाज की शादी में सिद्धार्थ शुक्ला होस्ट के तौर पर नजर आए। मेकर्स ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि इससे शो का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। वैसे यह वाकई चौंकाने वाला होगा क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बिग बॉस 13 में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। यहाँ तक कि शहनाज गिल सबके सामने यह भी मान चुकी है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ऐसे में जब उन्हें पता चलेगा कि उनके अपकमिंग शो में सिद्धार्थ शुक्ला होस्ट के तौर पर नजर आएंगे तो उन्हें शौक लगना लाजमी है। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला मिलकर अगर दूल्हे की तलाश करेंगे तो बेस्ट ग्रूम ही शहनाज गिल के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ दोनों मिलकर दर्शकों का जो मनोरंजन करेंगे वो तो अलग ही है। वैसे आप बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की रीयूनियन के लिए कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।